भारत का संविधान अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312(1) भाग 6 अध्याय 6 या भाग 11 में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। दो, इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित सेवाएं साझी समझी जाएंगी। तीन, खंड एक में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत अनुच्छेद 336 में परिभाषित जिला न्यायाधीश के पद से अवर कोई पद नहीं होगा। चार, पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के परियोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 312 का एक संसद विधि द्वारा कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रति संग्रहित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 312 का संसद विधि द्वारा का उन व्यक्तियों की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले या क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे और जो संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर बने रहते हैं, पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें तथा अनुशासनिक विषयों संबंधी अधिकार भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंग्रहित कर सकेगी। हाँ, उन व्यक्तियों की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले या क्राउन के किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे और जो संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ से पहले किसी सेवा से निवृत्त हो गए हैं या अन्यथा सेवा में नहीं रहे हैं, पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें भविष्य लक्षी या भूत लक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगा या प्रतिसंग्रहित कर सकेगी। परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कर्मचारी
का पद धारण कर रहा है या कर चुका है। उपखंड का के उपखंड खा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद को उस व्यक्ति की उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा की शर्तों में वहां तक के सिवाय जहां तक ऐसी सेवा की शर्तें उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति होने के कारण लागू है, उसके लिए लाभकारी परिवर्तन करने के लिए या उन्हें प्रतिसंग्रहित करने के लिए सशक्त करती है। दो, वहां तक की सिवाय जहां तक की संसद विधि द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन उपबंध कर करे इस अनुच्छेद की कोई बात खंड एक में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने की इस संविधान के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। तीन, उच्चतम न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को निम्नलिखित विवादों में कोई अधिकारिता नहीं होगी, अर्थात किसी प्रसंविदा करार या अन्य ऐसी या लिखित के जिसे खंड एक में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किया है या निष्पादित किया है किसी उपबंध से या उस पर किए गए किसी पृष्ठांकन से उत्पन्न कोई विवाद अथवा ऐसे व्यक्ति को भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में उसकी नियुक्ति या भारत डोमिनियन की या उसके किसी प्रांत की सरकार के अधीन सेवा में उसके बने रहने के संबंध में भेजे गए किसी पत्र के आधार पर उत्पन्न कोई विवाद। ख, मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 के अधीन किसी अधिकार दायित्व या बाध्यता के संबंध में कोई विवाद। चार, इस अनुच्छेद के उपबंध मूल रूप से मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 में या इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 313, जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद के जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है लागू है वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक वे इस संविधान के उपबंधों से संगत हैं। अनुच्छेद 314 कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध। संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 की धारा 3 द्वारा 29/8/1972 से निरसित। अध्याय 2, लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।